तुमने कसम खाई है कि प्रोग्राम को मरना है। नहीं वरना, नहीं वरना। नवाज शरीफ दंदना सा फिर रहा है, एक चोर एक डाकू जिसने 40 साल तक पाकिस्तान के अवाम का खून चूसा है। नवाज शरीफ के लिए इंसाफ का जो मयार है वो आते हैं पाकिस्तान, मुजरिम इश्तियारी है। रियासत, कानून और सरकार उनको उंगली तक नहीं लगा सकता है। पेशावर के लोगों, नवाज शरीफ दंदना सा फिर रहा है, एक चोर एक डाकू जिसने 40 साल तक पाकिस्तान के अवाम का खून चूसा है और जो इस कौम की हुर्रियत, इस कौम की आजादी और हमीयत के लिए डट के खड़ा है, आज बेगुनाह जंदान में पड़ा है। इंसाफ के दौरे मयार देखें। नवाज शरीफ की अपील हमारे अपील के बाद 3 महीने बाद आती है और वो दो पेशियों में डिसाइड होके, एलाव होके नवाज शरीफ की बरियत पे मंतज होती है और हमारी अपील अभी तक लगी ही नहीं है। तोशाखाना की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पे आज फैसला सुनाया गया, 6 माह बाद ये फैसला किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला होगा, जबरदस्ती का फैसला है। साइफर के केस में जमानत को फैसला होने में 4 माह लग जाते हैं और वो भी खारिज होती है। सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं, जमानत अभी तक दोबारा नहीं लगी है। इमरान खान की पार्टी के साथ सौतेली मां का सलूक है। आज ये जमे गफीर किसी पार्क में नहीं बैठ सकता है, किसी ग्राउंड में हम नहीं बैठ सकते हैं। क्यों क्यों नहीं बैठ सकते हैं? किसको हमसे खतरे हैं? उनको हमसे खतरे हैं जो कानून और आईन को पांव तले रोंद रहे हैं। 20 माह तक हुकूमत करने वाले पीडीएम के सुरखेल मौलाना फजल रहमान, वो कहते फिर रहे हैं कि फरवरी में बर्फबारी होगी तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ओ भाई सुन लो, इस्लामाबाद के हुक्मरानों, इलेक्शन क्यों ना हो, देख लिया आपने लाखों पश्तून खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर, खान का अलम लेकर पीटीआई के साथ खड़े हो गए हैं।